हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है रियलिज्म एज अ थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पार्ट वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो लेट्स बिगिन। पार्ट वन में हमने समझा था रियलिज्म का मीनिंग, इट्स अजम्पशंस, टेनेट्स, इट्स फीचर्स, various thinkers whose ideas reflected realism, as well as the billiards ball model. उन सबको हम यहाँ repeat नहीं करने वाले हैं। तो realism topic को continue करते हुए, let's understand its branches or schools. Within realism, different schools exist करते हैं, जिन्हें branches of realism भी कहा जाता है, और वो हैं classical realism, neorealism, जिसे structural realism भी कहा जाता है, और साइंटिफिक रियलिज्म भी कहा जाता है, फॉलोड बाय नियोक्लासिकल रियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल और थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म। और ये यहां मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं। फर्दर जो नियो रियलिज्म है, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म। तो इन्हीं ब्रांचेस को हम समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल रियलिज्म से। क्लासिकल रियलिज्म रियलिज्म की वो ब्रांच है जो पावर और नेशनल इंटरेस्ट के रोल पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती है। इसका मानना है कि ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। और इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं हैंस जे मॉर्गेंथॉ एंड ईएच कार। इट बिलीव्स दैट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट। क्लासिकल रियलिज्म बिलीव्स दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा पावर के लिए स्ट्रगल चलता रहता है। हर देश ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना चाहती है एंड एज अ रीजन दे ऑल कम्पीट फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर की वजह से देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं एंड इट ऑल्सो लीड्स टू वॉर। तो कॉन्फ्लिक्ट को और वॉर को अवॉइड नहीं किया जा सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ऐसा मानता है क्लासिकल रियलिज्म। Further, the roots of international conflict and war are located in an imperfect human nature. इसका मानना है कि human nature जो है वो egoistic है, selfish है, uncooperative है और power seeking है। और जो international politics में conflict और war होती है, उसका root cause imperfect human nature में है। Because humans जो है वो cooperative नहीं है और वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा power चाहते हैं। And even the states are power driven and dominating. States बनती तो individuals से ही हैं। तो अगर individuals ही egoistic, selfish, uncooperative, power seeking होंगे, तो states भी वैसे ही होंगी। क्योंकि जो states का behavior है, that is also determined by the human nature. हर state ना ही सिर्फ powerful बनना चाहती है, बल्कि अपना domination भी establish करना चाहती है international level पे। और ये भी conflict का reason बनता है, which can also lead to war. तो नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो सुप्रीम होता है। स्टेट्स जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही एक्ट करती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और उनका जो गोल होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज देयर पावर एंड सिक्योरिटी। हर स्टेट का गोल होता है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना एज वेल एज अपनी सिक्योरिटी को भी मैक्सिमाइज करना। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक। अब आपको पिछली वीडियो वाले सारे पॉइंट्स याद आ रहे होंगे यहाँ पे। तो ये था क्लासिकल रियलिज्म। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये तभी से इमर्जेंस में आया जब से रियलिज्म एज अ थियोरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इमर्जेंस में आई, सो इन द 20th सेंचुरी और वी कैन से द 1930s। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से जब लिबरलिज्म को एक सेटबैक मिला, तब क्लासिकल रियलिज्म का एक राइज हुआ। इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ तक कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इंडीड अ स्ट्रगल फॉर पावर, जहां पर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकेंड ब्रांच आई रियलिज्म में, दैट इज नियो रियलिज्म। ये थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसकी इमर्जेंस का रीजन ये भी था कि जब बिहेवियरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में आया, तब एम्फेसाइज किया जाने लगा कि सब्जेक्ट्स की ज्यादा साइंटिफिक स्टडी की जाए, और उसी प्रोसेस में नियो रियलिज्म आ गया।
और साइंटिफिक अप्रोच होने की वजह से ही इसे साइंटिफिक रियलिज्म भी कहा जाता है, एज वेल एज इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। ये क्लासिकल रियलिज्म से कैसे डिफरेंट थी? इट एम्फसाइज्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। नियो रियलिज्म कहता था कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर पर भी एम्फसाइज करना चाहिए, बजाय कि सिर्फ पावर और नेशनल इंटरेस्ट पर एम्फसाइज करने के, क्योंकि जो स्टेट्स का बिहेवियर है और जो उसके एक्शंस हैं वो किस बेसिस पर डिटरमाइन किए जाते हैं, वो डिटरमाइन किए जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। जैसा इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही स्टेट्स का बिहेवियर या एक्शन होगा। वही क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता था कि स्टेट्स का जो बिहेवियर है, उसके जो एक्शंस हैं, वो डिटरमाइन किए जाते हैं ह्यूमन नेचर के बेसिस पर। दिस इज हाउ नियो रियलिज्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म। और इसके जो प्रोपोनेंट्स थे वो थे केनेथ वॉल्स, जॉन मर्शाइमर एंड स्टीफन वॉल्ट। और इसका जो टाइम पीरियड था इमर्जेंस का इन इंटरनेशनल रिलेशंस वो था टुवर्ड्स द 1980s। नियो रियलिज्म पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाने वाली हूँ, सो आई डोंट वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन। तो नियो रियलिज्म जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड टू ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म जो है वो पावर के रोल पर स्ट्रेस देता है। इसका मानना है कि पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करने में, और स्टेट्स की डिजायर होती है या इच्छा होती है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की, एज वेल एज अपनी सिक्योरिटी को भी मैक्सिमाइज करने की। वहीं डिफेंसिव रियलिज्म मानता है कि स्टेट्स आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू अवॉइड बीइंग डोमिनेटेड बाय अदर स्टेट्स। स्टेट्स का डिजायर नहीं होता है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव होता है दूसरी स्टेट्स के डोमिनेशन से बचना। ऑफेंसिव रियलिज्म मानता है कि स्टेट अपनी पावर और सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए फोर्स का भी सहारा ले सकती है। वहीं डिफेंसिव रियलिज्म मानता है कि स्टेट दूसरे स्टेट की डोमिनेशन से बचने के लिए फोर्स का सहारा ले सकती है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स डिफरेंट हैं दोनों के बीच में, इसीलिए इन्हें ऑफेंसिव और डिफेंसिव बोला जाता है। ऑफेंसिव जहां अप्रोच में थोड़ा अग्रेसिव है, वहीं डिफेंसिव रियलिज्म थोड़ा डिफेंसिव है। ऑफेंसिव रियलिज्म के मेन प्रोपोनेंट है जॉन मर्शाइमर और डिफेंसिव रियलिज्म के हैं केनेथ वॉल्स, जिनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोला जाता है। ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म को हम अपनी नियो रियलिज्म वाली वीडियो में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। इसके बाद द नेक्स्ट स्कूल विद इन रियलिज्म इज द नियो क्लासिकल रियलिज्म, जो कि क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। और ये जो टर्म थी इट वॉज कॉइंड बाय गीडॉन रोज, इट वॉज कॉइंड इन अ 1998 वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू आर्टिकल। सो इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं गीडॉन रोज एंड फरीद जकारिया। नाउ नियो क्लासिकल रियलिज्म कहता है कि एक देश के जो एक्शंस हैं इंटरनेशनल सिस्टम में वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि स्टेट्स के इंटरनेशनल सिस्टम में बिहेवियर और एक्शन कुछ वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैपेबिलिटीज अमंग स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी सुपर पावर्स हैं, कितनी वीक पावर्स हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड है, बाईपोलर वर्ल्ड है या मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अगर बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा तो स्टेट्स अलग तरीके से एक्ट करेंगी, वहीं अगर एक यूनिपोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा स्टेट्स अलग तरीके से एक्ट करेंगी। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर एक बाईपोलर वर्ल्ड ना होता जो कि दो ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड था, विच वॉज USSR एंड USA, तो शायद भारत भी नॉन अलाइन की पॉलिसी को फॉलो ना करता। तो इन दैट केस हो सकता है जो इंडिया का बिहेवियर होता और उसके एक्शंस होते वो थोड़े डिफरेंट होते। सेकेंड वेरिएबल इज द कॉग्निटिव वेरिएबल, विच इंक्लूड्स द परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन ऑफ द अदर स्टेट्स इंटेंशंस और थ्रेट्स। क्या एक देश दूसरे देश के इंटेंशंस को अच्छे से समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, ये आता है कॉग्निटिव वेरिएबल्स में, और ये भी स्टेट के एक्शन को अफेक्ट करता है। एंड देन कम्स द डोमेस्टिक वेरिएबल्स। जो लोग एक देश की फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकर्स होते हैं,
उनके एक्शंस को और उनके डिसीजंस को कौन प्रभावित या इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे फैक्टर्स आते हैं डोमेस्टिक वेरिएबल्स में। और इसमें आता है कि एक स्टेट के इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, एग्जीक्यूटिव कैसा है, लेजिस्लेचर कैसी है, उस देश के एलीट्स कैसे हैं, जो ऐसे पावरफुल लोग होते हैं जो देश की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो कैसे हैं, और बाकी सोसाइटल एक्टर्स कैसे हैं, एक देश के एनजीओस कितने स्ट्रांग हैं, क्या उनमें कैपेबिलिटी है देश की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करने की, ये सब आता है डोमेस्टिक वेरिएबल्स में। तो नियो क्लासिकल रियलिज्म मानता है कि एक देश का इंटरनेशनल सिस्टम में बिहेवियर किसी एक फैक्टर या वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। तो जैसे क्लासिकल रियलिज्म कहता था कि एक स्टेट का बिहेवियर डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर पर, वहीं नियो रियलिज्म का मानना था कि एक देश का बिहेवियर इंटरनेशनल सिस्टम में डिटरमाइन किया जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। और नियो क्लासिकल रियलिज्म इमर्जेंस में आया आफ्टर 1990, तो ये काफी रीसेंट ब्रांच ऑफ रियलिज्म है। इसके बाद आता है द फोर्थ एंड फाइनल ब्रांच ऑफ रियलिज्म, विच इज द पोस्ट कॉलोनियल एंड थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म। ये भी काफी रीसेंट ब्रांच है जो कि 2000 के बाद दी गई है। वैसे आप इसके नाम से आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार का रियलिज्म है। तो जो पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म के सपोर्टर्स हैं, उनका मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो थियोरीज हैं वो सारी यूरोसेंट्रिक हैं, वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज की स्टडी पर आधारित हैं और उन्हीं देशों की एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। वहीं ये नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री को इग्नोर करती हैं, और जो इन IR थियोरीज की फाइंडिंग्स और सजेशंस हैं, ये नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट एडिक्वेट और सूटेबल फॉर इट। वहीं मोहम्मद आयू, जो कि थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट हैं, उनका मानना है कि जो सिक्योरिटी डिलेमा का कॉन्सेप्ट है, ये भी यूरोपियन हिस्ट्री पर ही आधारित है। सिक्योरिटी डिलेमा को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो उनका मानना था ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी थर्ड वर्ल्ड के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये यूरोपियन हिस्ट्री पर आधारित है, बल्कि जो स्टेट्स हैं थर्ड वर्ल्ड की, वो इनसिक्योरिटी डिलेमा की वजह से ज्यादा सफर करती हैं इंस्टेड ऑफ द सिक्योरिटी डिलेमा। और इनसिक्योरिटी डिलेमा क्या है? द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस रादर देन द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस चलते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड के लिए एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है बजाय कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के। तो जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डिफरेंट तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, चाहे रिलीजन से रिलेटेड हो, रीजन से रिलेटेड हो, एथनिसिटी से रिलेटेड हो, तो ये इंटरनल इश्यूज ज्यादा बड़ा एक चैलेंज है बजाय कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि पहले एक देश अपने आप को इन आंतरिक मामलों से तो सिक्योर कर ले, तभी वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर फोकस कर पाएगा, और रियलिज्म तो सिर्फ बात ही एक्सटर्नल सिक्योरिटी की कर रहा है। तो इसीलिए जो रियलिज्म की फाइंडिंग्स हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इनके चैलेंजेस अलग हैं। सो दिस इज द थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म और द पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म। अब आ जाते हैं रियलिज्म के क्रिटिसिज्म पर। रियलिस्ट थियोरी को किस किस प्रकार से क्रिटिसाइज किया गया है? इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म है that it overemphasizes on the power element. इसमें everything revolves around power. International politics is also the struggle for power. सिर्फ और सिर्फ जो है power पर बहुत ज्यादा focus रखती है। दूसरे elements जो होते हैं जैसे कि cooperation, उनकी बात ये नहीं करती है। And international relations is not just about struggle for power and conflict. IR सिर्फ power struggle के बारे में नहीं है या conflict के बारे में नहीं है, बल्कि ये कोऑपरेशन के बारे में भी है। स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी तो करती हैं। अगर कोऑपरेट ना किया होता तो अब तक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाती। इट इग्नोर्स द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। इस बेसिस पर भी हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल की ये बात नहीं करती। नॉन स्टेट एक्टर्स में हमारे आते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, बिजनेस टाइकून्स, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स। ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद जब ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुई है, इससे नॉन स्टेट एक्टर्स या NSAs का रोल बहुत बढ़ गया है।
It rejects the possibility of international organizations that can facilitate cooperation. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी कॉपरेशन हो सकती है और इस एस्पेक्ट को रियलिज्म इग्नोर करता है। ये मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस तो अनार्किक हैं, स्टेट्स दूसरे स्टेट्स की इंटेंशंस नहीं जानती हैं और इस वजह से देशों के बीच में कॉपरेशन नहीं हो सकती है, बल्कि कॉपरेशन तो हो रही है। यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने और इसकी सब्सिडरी एजेंसीज ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है देशों को आपस में कोऑपरेट करने के लिए। उस फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसने इस बात को भी रॉन्ग प्रूव किया है कि देश आपस में कोऑपरेट नहीं करते हैं। फर्दर फेमिनिस्ट ने भी रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। इनका मानना है कि रियलिस्ट पावर को मस्कुलिन ट्रेट असाइन करते हैं, पावर का यूज सिर्फ डोमिनेशन के लिए किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पावर का यूज तो कोऑपरेशन के लिए भी किया जा सकता है। फर्दर फेमिनिस्ट का मानना है कि रियलिज्म का एक मस्कुलिन बायस है, ये पावर, वॉर और कन्फ्लिक्ट जैसी चीजों की बात करता है जिनको एक मस्कुलिन ट्रेट असाइन किया गया है। विमेन की स्टडीज में कहीं नहीं आती है। वॉर के दौरान या कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान जो हरासमेंट वो फेस करती हैं, उसकी बात रियलिज्म नहीं करता है। वहीं कोहेन का मानना है कि कॉपरेशन स्टेट्स के इंटरेस्ट में है। स्टेट्स के इंटरेस्ट में सिर्फ पावर एक्यूमुलेट करना नहीं है या अपने आप को सिक्योर करना नहीं है, बल्कि कॉपरेशन भी उसके इंटरेस्ट में है। उनका मानना है कि अगर एक स्टेट रैशनल है, जैसा कि रियलिस्ट भी मानते हैं, तो वो डेफिनेटली कॉपरेट करेगी दूसरे स्टेट्स के साथ जहां भी उनके कॉमन इंटरेस्ट होंगे, और अगर एक देश के सेल्फ इंटरेस्ट में हो तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करेंगे। तो कोहेन का एक सजेशन है कि रियलिज्म को इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। Next criticism is that it failed to successfully make any specific predictions. Realism Cold War के end को predict नहीं कर पाई, तो जैसे liberalism Second World War को predict नहीं कर पाया था, ये उसका failure था। Realism का failure ये है that it couldn't predict the end of Cold War. It presents a very narrow perspective. ये सिर्फ emphasize करता है states पर और उनके national interest पर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर करता है, नॉन स्टेट एक्टर्स को इग्नोर करता है। तो बहुत ही नैरो तरीके से ये इंटरनेशनल अफेयर्स को व्यू करता है, इसको हम एक कंप्लीट स्टडी नहीं मान सकते। ऑल्सो ह्यूमन नेचर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड चेंजेबल। रियलिज्म का तो मानना है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। अगर ये सेल्फिश ही होता तो क्या स्टेट्स कभी एक दूसरे से कोऑपरेट करते? क्या पीपल टू पीपल रिलेशंस एस्टैब्लिश होते? क्या डिफरेंट डिफरेंट देशों के लोगों के बीच में इनफॉर्मल टाइज एस्टैब्लिश होती? ये सोचने वाली बात है। फर्दर ये भी कहा जा सकता है कि ह्यूमन नेचर कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज सेल्फिश है तो कल को लेस सेल्फिश भी हो सकता है, आज अनकोऑपरेटिव है तो कल को ज्यादा कोऑपरेटिव हो सकता है, तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अनदर क्रिटिसिज्म इज दैट इट इज अ डिवाइडेड हाउस इन इटसेल्फ। रियलिज्म के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं। जैसे कि आप ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म का ये एग्जांपल ले सकते हैं। उनको यही नहीं पता कि कितनी पावर सही है। ऑफेंसिव स्टेट्स को तो हेजेमनी परस्यू करनी है बाय मैक्सिमाइजिंग देयर पावर, और डिफेंसिव रियलिस्ट इसके अगेंस्ट हैं। तो इट्स अ डिवाइडेड हाउस इन इटसेल्फ। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बिकॉज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कोई तो एडवांटेज होना चाहिए, और वो क्रिटिसिज्म ये है कि रियलिज्म को अनसाइंटिफिक माना गया है। स्पेशली ये जो ह्यूमन नेचर का एक नेगेटिव आउटलुक पेश करता है, तो क्रिटिक्स का मानना है कि ये कौन सी साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश, ईगोइस्टिक एंड पावर सीकिंग है। तो कई क्रिटिक्स ने रियलिज्म को एक अनसाइंटिफिक थ्योरी माना है। उनका मानना है कि इस थ्योरी में कोई साइंटिफिक टूल्स का प्रयोग नहीं किया गया, बस कुछ ऐसे ही बातें बोल दी गई जिन बातों का कोई साइंटिफिक आधार नहीं था। और स्पेशली ये क्रिटिसिज्म तब किया जाने लगा जब इंटरनेशनल रिलेशंस में बिहेवियरलिज्म आया, क्योंकि बिहेवियरलिज्म साइंटिफिक टूल्स और साइंटिफिक अप्रोचेस की मदद से इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी की स्टडी की बात करता था।
तो ये थे रियलिज्म के क्रिटिसिज्म। वहीं रियलिज्म की सिग्निफिकेंस भी है। इट प्रोवाइड्स अ न्यू आउटलुक टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इसने इंटरनेशनल सिस्टम को एक नया आउटलुक प्रोवाइड किया, जिसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की है, जहां स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और कोऑपरेशन डिफिकल्ट होती है। ऑल्सो स्टेट्स कंटिन्यू टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि स्टेट्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टर होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। नॉन स्टेट एक्टर्स बेशक एग्जिस्ट करते हो, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, बट दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स जो हैं दे आर द डोमिनेटिंग एक्टर्स। यहाँ तक कि हम तो ये भी देखते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको स्टेट ही डोमिनेट कर रहे होते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट थियोरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। इससे हमें इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में समझने में मदद मिलती है। ये एक नया आउटलुक प्रेजेंट करता है इंटरनेशनल सिस्टम को लेकर, तो ये हमें हेल्प करता है इंटरनेशनल सिस्टम को समझने में। इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होता है, इसमें कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं, उन एक्टर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब हमें रियलिज्म थियरी के थ्रू जानने को मिलता है। ऑल्सो इट्स अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। बजाय कि आइडियलिस्टिक बातें करने के, ये अप्रोच बहुत ही रियलिस्टिक है। ये व्हाट इस पर एम्फसाइज करती है रादर देन व्हाट शुड बी पर बात करने के। हमारे आसपास जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनके एनालिसिस पर ये फोकस करती है, रादर देन मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करने के या चीज़ों को डिस्क्राइब करने के। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हमें इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट का कॉज क्या है, क्यों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, और साथ ही साथ वो ऐसे सॉल्यूशंस भी बताता है जिनके थ्रू इन कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है या वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर। इट ऑल्सो रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ नेशन एंड सिक्योरिटी। रियलिज्म वो थियोरी है जो ये रियलाइज करती है कि एक स्टेट का सर्वाइवल कितना जरूरी है और एक स्टेट के लिए उसकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है रियलिज्म की। तो ये थी रियलिज्म की सिग्निफिकेंस और ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने ईजीएस्ट तरीके से इस थियरी को आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इस वीडियो के दोनों पास देखिए, तभी आपको रियलिज्म अच्छे से समझ में आएगा। और इसके साथ ही साथ जो मैंने लिबरलिज्म पर वीडियो बनाई है उसको भी चेक कीजिएगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वहीं रियलिज्म और लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।